हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ डॉक्टर उमर। मैं एक फिजियोथेरेपिस्ट हूँ बाय प्रोफेशन। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी लास्ट वीडियो पसंद आई होगी। और आज मैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ डिस्कशन के लिए, जिसे हम एंकल स्प्रेन बोलते हैं। एंकल स्प्रेन बहुत ही कॉमन है, किसी भी एज ग्रुप में हो सकता है, किसी भी सिचुएशन में ये हो सकता है, स्पोर्ट्स इंजरीज में हो सकता है, नॉर्मल अनइवन सरफेस पे चलने से हो सकता है, इम्प्रॉपर फुटवेयर की वजह से भी कभी कभार हो सकता है। तो बेसिकली अगर आपको एंकल स्प्रेन हुआ है तो आपको कैसे पता लगेगा कि आपको एंकल स्प्रेन है, और एंकल स्प्रेन का मैकेनिज्म क्या है, इसका फिजियोथेरेपी इंटरवेंशन क्या है, प्राइमरीली हम उस पर फोकस करेंगे। तो दोस्तों, एंकल स्प्रेन दो किस्म के हो सकते हैं, इवर्जन और इन्वर्जन। अब ये इवर्जन इन्वर्जन क्या है, ये मैं आपको इस तस्वीर के माध्यम से एक्सप्लेन करूँगा। हमारा एंकल कुछ इस तरह से दिखता है, बाहर की तरफ से अगर हम पैर को देखें अपने, और अपने फुट को अगर अंदर की तरफ से देखेंगे तो इस तरह से दिखेगा। और अगर सपोज करिए हमारा जो पैर है वो अंदर की तरफ ट्विस्ट कर रहा है, तो हमारे को लेटरल एंकल स्प्रेन होने के चांसेस हैं। इसको इन्वर्जन बोलते हैं, इन्वर्जन इंजरीज। और अगर हमारा पैर बाहर की तरफ जा रहा है तो हमारे कुछ अंदर की तरफ के कुछ लिगामेंट्स हैं, सॉफ्ट स्ट्रक्चर्स हैं, जिसको इंजरी होने के चांसेस हो सकते हैं, उसको हम इवर्जन इंजरीज बोलते हैं। लेकिन एंकल स्प्रेन जो ज़्यादातर होता है, अक्सर जो एंकल स्प्रेन हुआ करते हैं, वो हमारे इनवर्जन एंकल स्प्रेन होते हैं। उसमें प्राइमरीली हमारा जो लिगामेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, उसको अगर आप यहाँ पे फोकस करें, उसको हम ATFL बोलते हैं, एंटीरियर टैलोफिब्यूलर लिगामेंट एंड CFL कैल्केनियो फिब्यूलर लिगामेंट। ये लिगामेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसी की इंजरी की वजह से हमारे को इनवर्जन एंकल स्प्रेन होते हैं। वैसे ही हमारे को अगर इवर्जन इंजरीज हो रही हैं, इवर्जन इंजरी में हमारा प्राइमरीली जो अंदर की तरफ में एक डेल्टॉइड लिगामेंट होता है, इट्स ए कम्बिनेशन ऑफ 2-3 लिगामेंट्स, अगर वो मिलके अगर उसको उसमें कहीं पे इंजरी हो रही है तो उसको इवर्जन एंकल स्प्रेन बोलते हैं। तो गाइस, अब तक हमने समझ लिए कि एंकल स्प्रेन क्या है, इसका मैकेनिज्म क्या है, इसमें कौन कौन से स्ट्रक्चर्स लिगामेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, कौन कौन सी टाइप्स हैं लाइक इन्वर्जन एंड इवर्जन, किसकी ज़्यादा चांसेस हैं होने के, वो सब चीज़ें हमने एक्सप्लेन कर दी हैं। देयर आफ्टर the ankle sprain, we need to understand the severity of the sprain. Accordingly, हम इसको तीन grades में classify करते हैं, grade 1, grade 2 and grade 3. So in grade 1 ankle sprain, आपको इस localized area में ATFL ligament के ऊपर tender spot मिलेगा, swelling बहुत minimal होगी या ना के बराबर होगी, कोई किसी भी तरह की bluish discoloration नहीं होगी, वेट बेयरिंग पॉसिबल है, पेशेंट आराम से चल सकते हैं। grade 2 एंकल स्प्रेन में आपको जो स्वेलिंग है वो इंक्रीज हो जाएगी, ये लेटरल साइड पूरे का पूरा आपका स्वेल हो जाएगा, टेंडरनेस विल बी देयर, ब्लूइश डिस्कलरेशन होगी, वेट बेयरिंग पॉसिबल नहीं है, लेकिन पेन होगी, पेन के साथ आप चल सकते हैं, ठीक है। और grade 3 में कंप्लीट रप्चर हो जाएगा आपके लिगामेंट का, ATFL लिगामेंट के साथ साथ CFL लिगामेंट, कैल्केनियो फिबुलर लिगामेंट या पोस्टीरियर टैलो फिबुलर लिगामेंट, ये सारे इन्वॉल्व होने के चांसेस हैं, और इसमें आपका वेट बेयरिंग बिल्कुल पॉसिबल नहीं हो पाएगा, स्वेलिंग बहुत ज़्यादा होगी, पूरे का पूरा एंकल सूज जाएगा, ये पोस्टीरियर कंपोनेंट, ये सारे का सारा एरिया आपका स्वेल हो जाएगा। grade 1 में आपके टीयर जो है वो बड़ा मिनिमल होगा लिगामेंट का, grade 2 में वो टीयर आपका जो है उसकी इन्वॉल्वमेंट बढ़ जाएगी लिगामेंट की, grade 3 में कंप्लीट रप्चर हो जाएंगे आपके लिगामेंट्स के, और उसमें आपका बहुत ही अच्छे तरीके से रिहैबिलिटेशन होना चाहिए, अदरवाइज़ आपके एंकल स्प्रेन के रिकरेंस के चांसेस बढ़ जाएंगे। टू रूल आउट विच लिगामेंट इज़ इन्वॉल्व्ड, विल परफॉर्म सम टेस्ट, जो भी मैं आपको करके बताऊंगा। अगर आपको ATFL को चेक करना है कि वो इन्वॉल्व है कि नहीं है, देन आप अपने पेशेंट के फुट को कम्प्लीटली प्लांटर फ्लेक्शन में ले जाइए एंड होल्ड द कैल्केनियम, प्लांटर फ्लेक्शन में लेने के बाद उसको इन्वर्जन में लेके जाइए। व्हेन यू डू द इन्वर्जन मूवमेंट, आपके पेशेंट को पेन होगी यहाँ पे, पेशेंट विल रिपोर्ट पेन इन द ATFL रीजन। और अगर आपको कैल्केनियो फिबुलर लिगामेंट को रूल आउट करना है, देन यू विल टेक द पेशेंट्स फुट इन द एनाटॉमिकल पोजीशन, न्यूट्रल पोजीशन, उसके बाद कैल्केनियम को होल्ड करके अगेन इन्वर्जन में लेके जाना है, पेशेंट अगेन विल रिपोर्ट पेन इन द कैल्केनियो फिबुलर लिगामेंट एरिया। और अगर आपको पोस्टीरियर टैलोफिबुलर लिगामेंट को चेक करना है, तो आप पेशेंट के फुट को कम्प्लीटली डॉर्सिफ्लेक्शन में लेके जाएंगे, यू विल होल्ड द कैल्केनियम और फिर इन्वर्जन में लेके जाएंगे, एंड पेशेंट विल रिपोर्ट पेन इन द पोस्टीरियर टैलोफिबुलर लिगामेंट। नाउ वी आर हेडिंग टूवर्ड्स टेपिंग टेक्निक फॉर एंकल स्टेबिलिटी। उसके लिए हमने काइनेजियो टेप को 3 स्ट्रिप्स में काट लिया है,
ठीक है, अब हम बताएंगे आपको कि टेपिंग की कैसी जाती है इसकी। टेपिंग इज़ वन ऑफ मैनी सपोर्टिव टेक्निक्स आई यूज़ इन माई प्रैक्टिस। सबसे पहले पेशेंट के फुट को आप न्यूट्रल पोजिशन में लाने की कोशिश करिए पैसिवली। नाउ वी आर गोइंग टू स्प्रेड द टेप फ्रॉम बोथ द एंड्स। प्लीज कीप इन योर माइंड नॉट टू स्ट्रेच द बेस। तो अब हम टेप के बेस को मिडिल मैलस के टू फिंगर्स अबव फिक्स करेंगे विद जीरो स्ट्रेच। नाउ वी आर गोइंग टू स्ट्रेच इट फॉर अप टू 80%। दिस इज 100%, दिस इज समवट 80%। और पूरा इसको हम न्यूट्रल पोजीशन मेंटेन रखेंगे एंड विल फिक्स इट इन दिस पोजीशन इन दिस मैनर। याद रखिए दोस्तों, इसमें आपका रिंकल्स बिल्कुल भी ना आए। एंड ऑलवेज रब द टेप आफ्टर एप्लीकेशन टू एक्टिवेट द ग्लू। नाउ द सेकंड स्ट्रिप। By varying placement, shapes, tension and directionality of the tape, a trained practitioner can create predictable responses. Over the middle malleolus. Stretch the tape to 50%. Wrap it around the ankle. Now the third strip. इसको हम लिटल मैलस पे लगाएंगे। अगेन स्ट्रेच इट टू 50%। This is the perfect taping technique for ankle stability in case of ankle sprain. आप देख सकते हैं कोई भी रिंकल नहीं है, कुछ भी नहीं है, एकदम परफेक्ट इसका एडेशन है। It has to be like this. दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। इसके अलावा अगर आपकी कोई भी क्वेरीज़ हो या आप चाहते हैं मैं किसी नए टॉपिक पे कोई वीडियो बनाऊं, देन प्लीज़ ड्रॉप योर कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।